वो आई है। जिसको बुलाना है बुला लो। अब मैं अपना बदला लेके आऊंगा, इस लड़की को लेके जाऊंगा। हम बचाएंगे उसे, माता रानी बचाएगी अपनी बेटी को। पर जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। हमने पहले ही कहा था आपसे कि उस तावीज का ख्याल रखना, पर आप लोगों ने नहीं रखा। सुरक्षा कवच हमने घर के बाहर रखा था, फिर वो बुरी आत्मा भीतर आई कैसे? कुछ ना कुछ जरूर हुआ है जो उस रक्षा कवच ने काम नहीं किया। रक्षा कवच को निष्क्रिय कर दिया गया है। जो हुआ सो हुआ, हमें उस तावीज को ढूंढना ही होगा। ढूंढो उस तावीज को। मैंने सब जगह ढूंढ लिया, घर के हर एक कोने में, लेकिन वो तावीज कहीं नहीं मिला मुझे। क्या आप एक दूसरा तावीज नहीं दे सकते? ये संभव नहीं है, क्योंकि वो तावीज एक विशिष्ट समय और एक विशिष्ट स्थान पर सिद्ध किया गया था। वैसा ही तावीज दोबारा बनाना, और वो भी फौरन, ये बहुत कठिन काम है। तो क्या हम सभी अपने हाथ पर हाथ रखे अपनी बेटी की बर्बादी देखें? ऐसा कोई तो रास्ता होगा जिससे मेरी बच्ची की जिंदगी बचाई जा सके। मैं तो ये नहीं समझ पा रहा कि आखिर सबकी वजह क्या है, ये सब क्या हो रहा है। लेकिन एक बात तो मैं समझ गया हूं कि आपके परिवार ने ऐसा जरूर कुछ किया है जिसकी सजा मेरी बच्ची भुगत रही है। अनिमेश बाबू, आप भी जोशी परिवार से जुड़े हुए हैं। नहीं, ना मैं और ना ही मेरी बेटी। और वैसे भी अगर देखा जाए तो मैं जोशी नहीं हूं, मेहता हूं और मेरी बेटी भी। मेरा इस परिवार से कोई लेना देना नहीं, और ना ही मेरी बेटी का। अंबिका, वैसे सही कहा अनिमेश ने। उस आत्मा का कहना है कि वो जोशी खानदान को खत्म कर देना चाहता है। जब उसका अपमान जोशी परिवार ने किया है, तो वो मेहता खानदान की बेटी को क्यों परेशान कर रहा है? क्या मतलब है आपका? अरे, मेरी बेटी का उस आत्मा से क्या लेना देना? तुम्हारी बेटी का नहीं, पर तुम्हारा, तुम्हारा उस आत्मा से संबंध। वो आत्मा तुम्हें परेशान करना चाहती थी। वो निहारिका को इसलिए तंग कर रही है ताकि तुम दुखी हो। क्योंकि तुम निहारिका की मां। क्या मतलब है आप? वो तुमसे बदला लेना चाहता है, क्योंकि तुम्हारी वजह से निहारिका जोशी परिवार से जुड़ी हुई है। निहारिका एक ऐसी कड़ी है जो तुम्हारे ससुराल और मैके को जोड़ती है। वो उसे तड़पाकर तुमसे बदला लेना चाहता है। अंबिका, वो तुम्हारे पीछे है। अंबिका, उस आत्मा का यहां आना उसकी वजह तुम हो। वो तुम्हारी बेटी को तड़पाकर तुमसे बदला लेना चाहता है। अंबिका, हमें अब इस कारण के साथ साथ इस समस्या का भी हल ढूंढना होगा, क्योंकि वो आत्मा बदला जरूर लेगी। 6 दिन बहुत कम होते हैं अंबिका। अगर हमने इन 6 दिनों में कुछ नहीं किया तो वो निहारिका को उसके साथ ले जाएगा।
जमुना बेन कुछ बोलिए। मैं जानती हूं जमुना बेन, आप अंबिका से बहुत प्यार करती हैं, और ये भी जानती हूं आप निहारिका से भी उतना ही प्यार करती हैं। अगर आप निहारिका की जिंदगी बचाना चाहती है जमुना बेन, तो हमें वो किस्सा बताइए, नहीं तो हम निहारिका की कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे। बताइए जमुना बेन, बोलिए। ये बोल नहीं सकती माई, मैं आपको तब से यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कितने सालों से नहीं बोली है, ये बस एक ही जगह देखती रहती है। समझ तो हम नहीं रहे अंबिका, ये तो हमें कब से बताने की कोशिश कर रही है, जो हम इनकी जुबान से सुनना चाहते हैं ये हमें आंखों से बता रही है। इसका मतलब वहां जरूर ऊपर कुछ है जो जमुना बेन हमें बताने की कोशिश कर रही है, जिससे हमें कोई मदद मिल सकती है। ये सब मेरे खिलौने, जमुना बेन ने मेरी बचपन की हर निशानी को संभाल के रखा है, बहुत प्यार करती थी ना मुझसे। हाँ अंबिका, इसमें ठीक से देखो, कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जिससे हमें सुराग मिल सकता है कि निहारिका के साथ ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। पुराने फोटोज। अंबिका, मुझे तुम्हारे इन यादों के पिटारे से कोई मतलब नहीं, मुझे अपनी बेटी की जिंदगी बचानी है, उसकी मुश्किल का हल ढूंढना है मुझे। इसमें कुछ नहीं मिला, कुछ पता नहीं चल रहा इसे। जब जमुना बेन ने इस बक्से की तरफ इशारा किया था तो मुझे लगा था कि कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा, पर कुछ नहीं पता चला। ये क्यों अंबिका से अपनी दुश्मनी निभा रहा है, क्यों बदला लेना चाहता है ये अंबिका से, निहारिका को क्यों परेशान कर रहा है। हमें बस इतना ही पता है कि ये जो कोई भी है आग से डरता है, लेकिन वो जो भाषा बोलता है वो उत्तरी गुजरात की बोलता है। काठियावाड़ी? जी हाँ, काठियावाड़ी। मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि गुजरात कल्चर के बारे में मैंने पढ़ा है। जमुना बेन भी तो काठियावाड़ी है ना। चेतावनी देने आई, छोड़ दे मेरी बच्ची को। मुझे चेतावनी देना चाहती है, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तेरी ये बेटी 6 दिन भी नहीं देख पाएगी। तेरी ही दया से तेरी ये बेटी जिंदा है, अगर मैं चाहूँ ना तो उसे कभी भी मार सकता हूँ। तू अपनी लड़की को जवान होते हुए नहीं देख पाएगी, जवानी का रस चखे बिना ही वो मर जाएगी। चुप, कैसी हुई तेरा मेरी बच्ची के बारे में इस तरह बात करने की। हाँ छोड़ मेरी बच्ची को, छोड़ दे मेरी बच्ची को।
अंबिका क्या कर रही हो छोड़ो इसे। जब तक ये मेरी बच्ची को नहीं छोड़ता मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं मार डालूंगी। अंबिका क्या कर रही हो, अंबिका छोड़ो इसे। अंबिका होश में आओ, क्या कर रही हो? अरे कहा मेरी बच्ची निहारिका? क्यों बेटा बन गए बेवकूफ? अंबिका थोड़ा से, अंबिका होश में आओ, अंबिका होश में आओ। अरे ऐसा करने से तुम निहारिका को चोट पहुंचा रही हो। अबे तेरे संघर्ष से कुछ नहीं होगा डॉक्टर, क्योंकि 6 दिन बाद मैं इस लड़की को ले जाने वाला हूँ और फिर तुम सब लोग कुछ नहीं कर पाओगे। सारो तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। चुप कर कमीने, चुप कर। कौन है तू और क्यों आया यहाँ पर, क्यों हमारे पीछे पड़ा है तू? ऐसा क्या कर दिया है मैंने? देख तेरी दुश्मनी मुझसे है ना, तो ले हमला कर मुझ पर हमला कर। मेरी बच्ची को क्यों तकलीफ दे रहा है तू? मैंने जो भी किया ना उसके लिए मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। आप करते मुझे और मेरी बच्ची को छोड़ते हैं, मेरी बच्ची को छोड़ते। माफ कर दो तुझे अंबिका, अपना चरित्र दिखा के लिए भोले बनने का नाटक करती है। चांडाल है तू, चांडाल। अंबिका अंबिका मेरे साथ चले आओ, चलो मेरे साथ। अंबिका शांत हो जा, माता रानी सब ठीक कर देगी। बच्ची वो राक्षस उसे 6 दिन में ले जाएगा और अरे अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो उसकी सजा वो उसे क्यों दे रहा है? तुम चिंता मत करो अंबिका, माता रानी सब ठीक करेगी। कल सुबह मैं इस घर में पूजा करूंगी, मेरी 10 शिष्याएं देवी रक्षा मंत्र का पाठ करेगी और तब तक जब तक कि हमें कोई सुराग न मिल जाए, और मुझे पूरा यकीन है अंबिका कि हमें इस मुश्किल की कड़ी तक वो मंत्र जरूर पहुंचाएगा। एक बात याद रख, बुराई शुरुआत में कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अंत में जीत सच्चाई की होती है। हम जरूर जीतेंगे अंबिका, जरूर जीतेंगे। जय जय शप पर स्तुति वत पर विष्णु ते, जन जन जी जम जिम विष्णुपुर शिंजित मोहित बुद्धपते, नदित नदाद नदी नद नामक नदन नदीत नदुरते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी राम कपार्दिनी शैलसुते। उठना नहीं, यह उस शैतान की चाल है, वो हमें भटका रहा है। मैं बताऊंगी तुम्हें कब उठना है, तब तक मंत्रों पर ध्यान दो, बैठी रहो।
अंबिका, अब तुम जाओ और जाकर देखो कि निहारिका में कोई बर्ताव तो नहीं आया, मतलब उसके शरीर में, उसके कमरे में या उसके व्यवहार में कोई बदलाव तो नहीं है। जहां तक मेरी सोच है, इस पूजा से निहारिका हमें कोई ना कोई संकेत जरूर देगी। जाकर देखो अगर तुम्हें कुछ मिलता है। ये अजीब सी बदबू, ये किस चीज की है? मोहर, क्या हुआ? आपने कहा था ना अगर कोई बदलाव हो तो आपको बताऊं। हुआ क्या? निहारिका के नाभिक के पास गुलमोहर लिखा हुआ है। क्या गुलमोहर का मतलब क्या है? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो भी हो, माता रानी ने हमें संकेत दिया है। कोई ना कोई मतलब तो जरूर है इसका, पर इसका मतलब क्या है? कहीं वो कुएं के पास वाला गुलमोहर तो नहीं, मुंजा की आत्मा वाला? नहीं, ये मुंजा की आत्मा नहीं है। तो फिर गुलमोहर का मतलब क्या है? हम लोग तो फिर वहीं पे अटक गए। ये सब क्या हो रहा है? हमें इसके बारे में फिर से सोचना होगा। वो आत्मा अंबिका से बदला लेना चाहती है और निहारिका के शरीर पर गुलमोहर लिखा है। एक मिनट, हमने जमुना बहन के सूटकेस में एक एल्बम देखा था, उसमें उसमें मैंने गुलमोहर की तस्वीर देखी थी। मैं अभी ले आया। ये देखिए अंबिका बहन, ये आप है ना, और ये तस्वीर गुलमोहर पेड़ के पास ही ली गई है। मिल गया। मैंने कहा था ना जमुना बहन हमें कोई सुराग देना चाहती है। ये देखो, ये तुम और अनिमेश, वहाँ दूर तुम दोनों को कोई घूर रहा है। कौन है वो? धुंधला, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कौन है? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तुम जो भी हो, बहुत ही नीच
और घटिया किस्म के इंसान हो। कायर हो तुम, लड़ना है तो मुझसे लड़ो, मेरी बीवी और मेरी बच्ची को छोड़ दो। क्यों कब्जा किया है तुमने मेरी बच्ची पर? बोलो क्यों कर रहे हो ये तुम सब? आखिर क्या चाहते हो? भीखा, भीखा को चाहता हूं मैं, बहुत प्यार करता हूं मैं उससे। कायर नहीं हूं, प्रेमी हूं मैं तुम्हारी पत्नी का, प्रेमी हूं। वादे किए थे मेरे साथ जीने के लिए, बहुत चाहती थी वो मुझे, उसके साथ जीना चाहता था। तुम्हारी पत्नी का प्रेमी हूं मैं, जमुना बहन का बेटा हूं मैं केशव। मेरे को भी नहीं अच्छा लगता इस लड़की के शरीर पर कब्जा करना, इसे तड़पाना, क्योंकि बुरा आदमी नहीं था मैं, बुराई नहीं थी मेरे मन में। प्यार करता हूं तुम्हारी बीवी से, तब भी करता था, पर मेरा प्यार मुझसे छीन गया सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम्हारे पास वो सब कुछ था जो मेरे पास नहीं है। तुम ठहरे बॉम्बे के एक बहुत बड़े डॉक्टर, पैसा, नाम, घर, शोहरत सब था तुम्हारे पास, और मैं ठहरा एक गरीब। जब तक तुम हमारी जिंदगी में नहीं रहते, कितने खुश थे हम लोग। हम रोज गुलमोहर के पास मिला करते थे, घंटों बातें करते थे, वो बोलती रहती थी, मैं सुनता रहता था। कितनी मीठी आवाज थी उसकी, मैंने उसे सब कुछ मान लिया था। जाने कितने सपने सजाए थे हमने, यहां तक कि मैंने अपने घर में झगड़ा भी कर लिया था, क्योंकि मुझे उसके साथ शादी करनी थी, घर बसाना था उसके साथ। जब वो पेंटिंग किया करती थी, मैं उसे निहारा करता था। तुम यही सोच रहे हो ना कि मुझे कैसे पता कि वो पेंटिंग बनाया करती थी? अरे हर चीज जानता था मैं उसकी, बचपन से प्यार करता था मैं उसे। ऐसे देख क्या रहे हो, हर चीज का दीवाना था मैं। उसके बाल, उसकी बातें, उसकी हंसी, उसके बोलने का तरीका, सबका दीवाना था मैं। जब वो अहमदाबाद जाती थी ना, तब मुझे प्रेम पत्र लिखा करती थी। कितने कितने दिन इंतजार करता रहता था मैं उसके एक प्रेम पत्र का, सौ सौ बार पढ़ा करता था मैं उसका एक एक खत। पहले दिन तुम्हारा रिश्ता आया और मेरी अंबिका भूल गई मुझे, उसने तुम्हारे साथ जीवन बिताने का फैसला किया, वो भूल गई मेरा प्यार, और वो भूल गई कि मैं टूट जाऊंगा, वो सब कुछ भूल गई, और उसने तुम्हारे साथ शादी कर ली। जब तुम दोनों की शादी हुई, मैं बुरी तरह से टूट चुका था, बुरी तरह से टूट चुका था मैं, बिखर चुका था मैं। उस दिन मैंने अपने आप की जान लेने का फैसला किया, क्योंकि मेरी अंबिका मेरे साथ ही नहीं रही, और फिर अंबिका ने तुम्हारे साथ शांति से जीवन बसाने का फैसला किया। वो तुम्हारे साथ खुश थी, और मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि अभी भी मेरे दिल में अंबिका के लिए प्यार है। और एक दिन जब तुम लोग गांव आए, मेरी आत्मा हिल गई, पागल सा हो गया मैं, अपने आप को संभाल नहीं पाया। और जब अंबिका को तुम्हारे साथ खुश देखा, मुझे लगा
कि मेरी मौत का, मेरा, मेरे प्यार का मजाक उड़ाया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है मेरा। मेरे बिना भी वो खुश थी और मैं ये देख नहीं पाया, और यही वजह है कि मैंने उस अंबिका की बेटी पर कब्जा कर लिया है। तुमने मुझसे मेरा प्यार छीना था ना, अब मैं तुमसे वो छीनूंगा जिससे तुम प्यार करते हो। लेकिन क्यों, मेरी बेटी ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अरे सब में निहारते की क्या गलती, तो फिर मेरी क्या गलती थी कि मैंने उससे प्यार किया? बोलो, मेरी क्या गलती थी? अब मैं बदला लूंगा, उसने मुझे तड़पाया ना, अब मैं उसे तड़पाऊंगा। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मैं भी उसका सब कुछ छीन लूंगा। तुम सब लोग निहारिका से बहुत प्यार करते हो ना, अब मैं तुम सब लोगों को दिखाऊंगा कि जिससे तुम सब लोग बहुत प्यार करते हो उसे खोने का दुख क्या होता है। उसने मुझे ठुकराया, ये मेरा अपमान था। उसने तुमसे शादी की, ये मेरे सपनों का अपमान था। और आज वो तुम्हारे साथ खुश है, ये मेरी भटकती हुई आत्मा का अपमान है। मुझे बदला चाहिए, नफरत करता हूँ मैं तुम सब से। चले जाओ तुम लोग यहाँ से, चले जाओ, छोड़ दो मुझे अकेला। चले जाओ तुम लोग यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ, जाओ। अनिनेश भाई, क्या हुआ, क्या कहा शैतान ने? अनिमेश भाई, आप तो गए थे ना निहारिका के रूम में, कुछ कुछ पता चला आपको? अरे आप कुछ तो बताइए। दामाद जी, कुछ तो बोलिए। क्या हुआ, तुम इतने दुविधा में क्यों? क्या कहा उसने? उसने कहा कि बताओ निमेश बाबू, क्या कहा उसने? उसने कहा कि वो अंबिका से प्यार करता है। क्या? हाँ, आप सही थी, आपने सही कहा था कि उसका इस घर से रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता। जमुना बेन का बेटा है वो, और अंबिका एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अंबिका ने मुझसे शादी कर ली और इसी बात का बदला वो मेरी बेटी निहारिका से ले रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं तो बस इतना जानता हूं कि मैं और अंबिका कॉलेज के दिनों से एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, और उसकी पहले की बातें कुछ नहीं जानता मैं। मैंने कभी कभी अंबिका के मुंह से उस केशव का नाम नहीं सुना। हम दोनों की शादी हो गई, बहुत खुश थे हम, और फिर निहारिका हमारी जिंदगी में आई, हमारी खुशी और बढ़ गई। बस यही जानता हूं मैं। या फिर यूं कहिए कि
मैं ही जानता था अब तक, और अब आपको अपने प्यार पर नहीं। किसी और की बकवास पर भरोसा है ना अनिमेश? अब आपको मुझ पर नहीं, उसकी बातों पर विश्वास हो गया। अपने प्यार के भरोसे की बात नहीं अंबिका, बात निहारिका की जिंदगी की है। निहारिका भी तो हमारे प्यार और विश्वास का ही नतीजा है ना अनिमेश, उसी विश्वास का जिस पर से आपका विश्वास डोल रहा है। आपको क्या लगता है अनिमेश, मैंने उसे धोखा दिया? इतने सालों से झूठ बोलकर मैं आपको भी धोखा देती आई। आपको लगता है कि ये जो हो रहा है ये मेरी गलतियों का नतीजा है? अब आपको मुझ पर विश्वास नहीं है ना अनिमेश, बोलिए। बस बस अंबिका प्लीज, मुझे कुछ कहना सुनना नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब आपको मेरी बातें भी समझ में नहीं आ रही? इसका मतलब तो यही है कि अब आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। अगर ऐसा ही है अनिमेश, फिर बस करो तुम दोनों। अरे उसने कुछ कह दिया और तुम मुद्दा छोड़कर आपस में लड़ रहे हो। इस वक्त हमें निहारिका के बारे में सोचना चाहिए। अंबिका, हम ये तो समझ गए कि वो केशव जमुना बेन का बेटा। अगर तुम निहारिका को बचाना चाहती हो तो सब कुछ याद करके मुझे ठीक ठीक बताओ। वैसा कुछ भी नहीं था जैसे उसने कहा। मैं बस इतना जानती हूं कि वो बचपन से ही इस घर में पला बड़ा है, यहीं रहता था चुपचाप शांत जमुना बहन के साथ। जमुना बहन का बेटा होने के नाते मैं उसे जानती तो थी, मगर हमारे बीच कोई दोस्ती नहीं थी कभी। हाँ अगर बचपन में कभी मैंने उसके साथ खेला हो तो ये मुझे याद नहीं है। मेरे मन में उसको लेकर अगर कोई बात आती तो वो ये थी कि अगर जमुना बहन का इतना सीधा साधा बेटा है तो वो इतनी परेशान क्यों रहती है, क्यों वो इतनी कटी कटी रहती है उससे, क्यों उसे देखकर वो इतनी परेशान हो जाती है। जमुना बहन जो मुझसे इतना प्यार करती थी जैसे कि मैं उनकी अपनी बेटी हूं, अपने ही बेटे से वो इतनी नाराज क्यों रहती है। मैं इतना जानती हूं कि अगर कभी मुझ में और केशव में उन्हें किसी एक को चुनना होता तो वो मुझे ही चुनती, केशव को नहीं। जैसे कि मैं उनकी अपनी बेटी हूं और केशव कुछ भी नहीं। मैंने बहुत बार जमुना बहन से ये पूछने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि बात क्या है, पर उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। और फिर मैं अहमदाबाद चली गई अपनी पढ़ाई के लिए, और वहां मेरी मुलाकात अनिमेश से हुई। पढ़ाई और अनिमेश के बीच मुझे कभी वक्त मिला ही नहीं कि मैं किसी और के बारे में सोच भी सकूं। और इस बीच केशव के मन में मुझे लेकर क्या चल रहा था इसका मुझे कोई आइडिया ही नहीं था, और अगर आइडिया होता तो भी मेरे लिए बात कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि अगर मेरे लिए कोई मायने रखता था तो वो थे सिर्फ अनिमेश। समझ गई मैं, केशव ने बहुत बड़ा खेल खेला है तुम्हारे साथ। अब तुम देखती जाओ अंबिका मैं क्या करती, उसी के मुंह से सच उगलवाऊंगी मैं, उसी के मुंह से। रिश्ते के बारे में झूठ बोला है तूने। मैं सच में अंबिका से प्यार करता था। चुप कर, बता मुझे कि सच क्या है। यही सच है, यही सच है। ये सच नहीं है, सच क्या है ये तू मुझे बताएगा, और वो भी अभी। ये
माता के पवित्र चरणों का जल है। इसकी जलन तुझे सच बताने पर मजबूर कर देगी। जगदम्बा तुझे मिटा देगी। ये सच है, मैं अंबिका से प्यार करता था। उसे तो मालूम ही नहीं था कि प्यार करता था। बस करो, अब उसे बस करो। मत जलाओ मुझे। देखिए प्लीज प्लीज स्टॉप दिस। रुक जाइए, मेरे बेटे की हालत देखिए। इसके शरीर को जैसे वाकई ये झुलस गया हो। कितना दर्द हो रहा है इसे। इससे सच बुलवाने के लिए ये करना जरूरी है। इस वक्त तुम्हारी बेटी के शरीर में केशव है। ये जलन उसे महसूस हो रही है, तुम्हारी बेटी को नहीं। लेकिन ये शरीर तो मेरी बेटी का है और ये मान चुका है कि ये सब झूठ बोल रहा है। अंबिका इससे प्यार नहीं करती थी। मुझसे अपनी बेटी का दर्द बर्दाश्त नहीं होता। बंद कीजिए ये सब प्लीज। एक बात तो साफ है, केशव की मौत जलने से हुई थी। ये आप कैसे कह सकती हैं? पवित्र जल से दुष्ट आत्माओं को तकलीफ तो होती है, पर उनका शरीर इस तरह से नहीं जलता। जब मैंने निहारिका पर जल छिड़का था तो उसके शरीर पर जलने के निशान पड़े थे। नास के जलने की बू आ रही थी। इससे तो यही साबित होता है कि केशव की मौत जलने से हुई। बस हमें अब ये पता लगाना होगा कि उसकी मौत कहां और कैसे हुई थी। अंबिका, इस गांव में आने के बाद निहारिका के साथ क्या क्या हुआ था? वो कहां कहां गई थी? जाती तो वो अक्सर मुंझा के कुएं के पास ही थी। पर तू इस कुएं पे क्या कर गई थी, तुझे ये बता पहले। वो मैं अपनी वॉल लेने आई थी और वो वहाँ एक अंकल ने मुझसे पानी मांगा तो मैं पानी लेने आई। हाँ, एक बार खेलते खेलते बॉल ढूंढने वो पुरानी हवेली के पास चली गई और वहाँ उससे किसी ने पानी मांगा। पानी? हमें उस हवेली में जाना ही होगा हमें उस हवेली। कहाँ गई तेरी ये हंसी? तो पता नहीं कब वापस आएगी। क्या हुआ मोटी तुझे? देख तू वापस आ जा तू।
आई प्रॉमिस मैं तुझे कभी मोटी नहीं कहूं। लेकी को लेकर परेशान हो ना। क्या करूं संगीता? देखो संगीता, ये वही निकी है जिसे हम देख रहे हैं। इतनी खुशमिजाज, इतनी शरारती, सारा दिन मौका ढूंढती थी लोगों को परेशान करने का, पूरा घर सर पर उठा कर रखती थी। मैंने उसके साथ अपना बचपन जिया है संगीता, बहुत सारी शरारतें की हैं। लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता। मेरी निकी ने ऐसा क्या बुरा किया संगीता जो भगवान उसके साथ ऐसा कर रहा? बोलो संगीता, वो अभी बच्ची है और उसके लिए इतना दर्द। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ भावेश, फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे अब भी भगवान पर भरोसा है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी करो। भावेश, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें मैं भी दोषी हूँ। मतलब? जिस दिन हमारी सगाई हो रही थी उस दिन मैं निकी को लेने ऊपर गई थी उसे नीचे लाने के लिए ताकि हमारे साथ डांडिया खेल सके, लेकिन उसके बहुत सारे बाल उसके लेग पीस में फंस गए थे। बहुत बहुत जल्दी जल्दी हो रही थी, भाभी भी मुझे लेने आई थी, शायद अनजाने में मुझसे वो तावीज की डोर कट गई। I'm really sorry. It's okay, संगीता, गलतियां सबसे होती, लेकिन तुम्हें मुझे एक बार बताना तो चाहिए था। भावेश, लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं था। जैसे जैसे चीजें कटती गई तब मुझे एहसास हुआ और सब कुछ इतना जल्दी जल्दी। वो तुम परेशान मत, गलतियां सबसे होती। बड़ी बात तो ये है तुमने अपने परिवार के साथ ना जा यहाँ मेरे परिवार के साथ थी। मैं तुम्हारा एहसास कभी नहीं भूल सकता। पर क्या करूं, ये निकी की बातें मेरे दिमाग से निकलती नहीं। बहुत डर लगता है संगीत, कहीं निकी समझ। नहीं भावेश, बुरा नहीं सोचते, नहीं बुरा अपने मुंह से निकालते हैं। भगवान पे भरोसा करो, माँ दुर्गा हमारे साथ है, निकी को कुछ नहीं होगा। भावेश भाई, भावेश भाई, मैं वो निहारी का बेबी के कमरे के बाहर से गुजर रहा था। वो आप जल्दी मेरे साथ आइए ना। छोटू मामा, पानी पानी चाहिए। शाम पानी लेकर अभी ला दिया। पानी। साली, इस छोकरी को पानी पिलाना चाहती है? नहीं पिलाने दूंगा मैं इसे पानी, न पीने दूंगा न खाने दूंगा, कुछ भी नहीं करने दूंगा मैं इसे। बहुत तड़पाऊंगा, बहुत तड़पाऊंगा, जैसे मुझे तड़पाया गया था। बस अब 5 दिन बचे हैं, मैं इसके लिए इतना दर्द भर दूंगा कि चाहे 5 दिन के बाद इसे दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन फिर भी तुम लोग तड़पोगे इसे याद करके। तड़पा तड़पा के मारूंगा इसे। ये राक्षस मेरी निकी को ना खाने देता है ना पीने, मार डालेगा मेरी निकी। मैं क्या करूं संगीता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। भावेश, हौसला रखो, अलीमेश भाई और बंजारे गए ना हवेली, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें कोई ना तो कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा जिससे हमें इस प्रेतात्मा से मुक्ति मिल जाएगी।
यही है वो दीवार। चलते हुए इसी का सहारा लेकर भाग गया था वो, मतलब भागने की कोशिश की थी, पर चल रहा था वो, मटके के पानी से अपनी आग बुझाना चाहता था। आंख में आंसू? हाँ, सब जान गई हूं मैं। बहुत बड़ा बलिदान दिया गया है यहाँ। उसकी कहानी मैंने जान ली है, इसीलिए मेरे आंखों में आंसू आ गए। और हर एक शख्स जो ये कहानी सुनेगा उसके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। बहुत बड़ा बलिदान दिया गया है यहाँ, बहुत बड़ा। उसकी मौत यहां हुई थी, उसकी मौत एक बलिदान था, उसका नहीं, किसी और का बलिदान जो तुम्हारे लिए दिया गया था, ताकि तुम्हारे जीवन में खुशियां रहे। मेरी खुशियों के लिए बलिदान? हाँ, ये लड़का केशव बहुत बुरा था, जैसे इंसान के भेष में शैतान। उसकी सोच, उसकी इच्छाएं, सब कुछ बुरी थी। तुम्हें बचाने के लिए उसकी जान ली गई। पर ये मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और केशव, वो तो उस हादसे के बाद गांव छोड़कर चला गया था, तो फिर हादसा? कैसा हादसा अंबिका? क्या हुआ था अंबिका, मुझे बताओ क्या हुआ था। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अहमदाबाद में मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी, तब अपनी छुट्टियों के लिए यहाँ आया करती थी। तब तक मेरी मुलाकात अनिमेश से भी हो चुकी थी। मैं यहाँ पर छुट्टियों पर थी और मैंने देखा कि एक दिन बाबूजी किसी को बहुत डांट रहे हैं। शर्म की बात है, इतना कुछ होने के बाद भी चेहरे पर कोई मलाल नहीं, फिर तेरा जवाब दिए जा रहे हो। अरे तुम्हें तो डूब मरना चाहिए, जमुना बैंक के बेटे होकर तुमने ऐसी ओछी हरकत की। माँ अपना नहीं, कम से कम अपनी माँ का तो ख्याल करना चाहिए। केशव, बाबूजी क्या हुआ, ये क्या है? नाम भी मत लो इसका। लेकिन किया क्या है इसने? क्या किया है? अपनी खानदान, अपनी माँ का नाम कलंकित किया इसने। बाबूजी, मैं तुमने कह दूं ने, गलती हो गई मुझसे। पाप है कि दिल का ताड़ी बनाए जा रहे हैं। बदतमीज, इतना कुछ हो गया और तेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। घर घर में अंबिका की शादी तय हो रही है और तूने घर में ये कुकर्म कर देना, बदतमीज। चंद्रा भाई, लेकिन हुआ क्या, बात क्या है? अरे होना क्या है बेटा, बाप सिर पे नहीं था ना, हाथ से निकल गया। बीड़ी सिगरेट ये पीता है, नशा ये करता है, जुआ ये खेलता है। अब रही कहीं कसर, इसने राघव की बेटी कृष्णा को फंसा लिया। अब वो गर्भवती है, उसने तो कई बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की, इस नास्पति की वजह से, इसकी वजह से। सच बहुत बुरी बात है ये केशव, अब तुम्हें इसका प्रायश्चित करना होगा। कृष्णा के साथ शादी करके तुम्हें घर बसाना होगा। शादी?
केवी बात करे छवि का, इस्तेमाल हो चुकी है वो, बासी है। अरे उसमें ऐसा है क्या? और वैसे भी मैं शाम का खाना सुबह नहीं खाता, क्यों करूं उससे शादी? उम्मीद है इससे तुम्हारे होश ठिकाने आ गए होंगे। और आइंदा से तुम औरतों के बारे में इज्जत से बात करोगे। तू इन सब में मत पड़, अंबिका। इसे सजा तो मैं दूंगा, गांव से बाहर फेंकूंगा इसे। बापूजी, ऐसे लोगों को गांव से तो क्या, इस दुनिया से ही बाहर फेंक देना चाहिए। बस उसके बाद वो यहाँ से चला गया। उसके बारे में फिर ना कभी सुना और ना ही उसे कभी देखा। सीधा तो था वो, पर शायद कच्ची उम्र की बुरी सोबत ने बिगाड़ दिया उसे। उसके बाद मैं ये वाकया भूल ही गई थी। निहारिका ने मुझे एक दो बार बिका कहकर भी बुलाया, पर मैं ये कभी नहीं समझ पाई कि वो केशव हो सकता है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि जब उसका अंबिका से कोई लेना देना ही नहीं था, तो फिर वो निहारिका को क्यों तंग कर रहे? क्योंकि उसकी बुरी नजर अंबिका पर थी, उसकी आंखों में हवस थी तुम्हारे लिए। क्या? हाँ अंबिका, तुम्हें याद है तुमने मुझे कहा था कि वो तुम्हें बुरी नजर से देखता है। जब भी निहारिका के शरीर में वो आता है तो वो तुम्हारे बारे में अपशब्द कहता है, तुम्हारी सुंदरता की बातें करता रहता है। बीका, बड़ी तीखी लग रही है। अब समझ में आया, पर केशव तो ये गांव छोड़कर चला गया था ना, तो फिर वो मरा कैसे? वो भी यहाँ इस पुरानी हवेली में जो बरसों से सुनसान है। मैं नहीं जानती कि उसकी मौत कैसे हुई, बस इतना जानती हूँ कि उसकी मौत यही हुई थी। वो चल रहा था, चीख रहा था, वो यहाँ भागा, वहां भागा, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसका दर्द, उसकी पीड़ा मैंने महसूस की है, पर नाकामयाब रहा। उसकी आवाज अभी तक यहाँ गूंज रही है। क्या हुआ माई? जब वो चल रहा था तो वो अकेला नहीं था, उसके साथ कोई और भी था। लेकिन अगर कोई उसके साथ था तो उसने केशव को बचाया क्यों नहीं? बदला चाहिए था माई। माई, क्या हुआ? क्या हुआ? आप ठीक तो है? आप ठीक तो है? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। मैं आत्मा से बार बार टकराव के कारण मेरी शक्तियां कमजोर हो जाती है। चिंता मत करो, ठीक हूँ। माई, वो दूसरा आदमी कौन था? ये मैं नहीं जानती कि वो दूसरा आदमी कौन था। वो आग में उलझते देख रहा था उसे। वो दूसरा आदमी कौन था ये हमें पता लगाना होगा, जानना होगा कि वो आप कहाँ है। ढूंढना होगा हमें उसे, ढूंढना होगा। अब हमें ये तो पता चल गया कि केशव की मौत जलने से हुई थी, लेकिन उस दिन केशव के साथ कोई और भी था जो उसके जलने की वजह बना, लेकिन वो कौन था ये कैसे पता चले? आप अपनी शक्तियों से पता लगाने की कोशिश कीजिए ना। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेरी शक्तियां कम हो गई है, अब जो करना है आपको ही करना है, आपको ही पता लगाना होगा
कि वो दूसरा शख्स कौन था। अब इस सब के बारे में तो केवल जमुना बेन को ही मालूम है, क्योंकि केशव उनका इकलौता बेटा था। लेकिन वो बोल नहीं सकती, कैसे पता चलेगा? जमुना बेन, आप क्या आप जानते हैं कि जमुना बेन का कोई रिश्तेदार, सगे वाला या कोई नजदीकी था? देखिए, जमुना बेन के ज्यादातर रिश्तेदार या तो चल बसे हैं या ये गांव छोड़कर कहीं और जाकर बस गए हैं। पिछले कई सालों से, जब से वो अपाहिज हो गई है, वो हमारे साथ ही रहती है अकेली। उन्होंने हमें भी कुछ नहीं बताया। हम तो यही जानते थे कि केशव को इस गांव से बाहर निकाल दिया गया है और वो कहीं और रह रहा है। हमें तो आप ही ने बताया कि उसकी मौत हो गई है और हमारी परेशानियों का वजह भी वही है। कई सालों से उसने केशव के बारे में कोई जिक्र भी नहीं किया। हाँ, एक आदमी है जो हमें मदद कर सकता है, चंदू भाई। चंदू भाई? हाँ, हवेली के पुराने चौकीदार बापूजी, जमुना बेन के भाई, राखी भाई। हाँ, लेकिन काफी सालों से तो वो यहाँ आए भी नहीं। जमुना बेन का कोई भाई नहीं था ना, तो चंदू भाई यहाँ आते थे हर रक्षाबंधन राखी बंधवाने। बहुत बूढ़े हो चुके होंगे ना अभी तो, पता नहीं अब उन्हें केशव के बारे में कुछ याद हो भी। वो जो भी हो, हमें कल सुबह ही चंदू भाई को मिलने जाना होगा, उनसे बात करनी होगी। अगर माता रानी की कृपा रही तो हमारे सारे सवालों के जवाब हमें वही मिलेंगे। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, मम्मा आपके लिए खाना ही लाई है।